महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार ने आज बहुमत हासिल कर लिया। इसे लेकर बीजेपी कार्यालय में आज कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कार्यक्रम में शामिल बीजेपी नेता पूर्व सांसद संजीव नाइक ने कहा कि राज्य में स्थिर और प्रगतिशील सरकार बनने से जनता में विश्वास बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि नवम्बई में जब भी चुनाव होंगे बीजेपी की ही जीत होने वाली है। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित एकनाथ शिंदे की सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है, इसे बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आज बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने नवम्बई के खैरने में जल्लोस किया। यहां कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए खुद पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक भी मौजूद रहे। उन्होंने नई सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिर और प्रगतिशील सरकार बनने से जनता में विश्वास बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि नवम्बई में जब भी चुनाव होंगे बीजेपी की ही जीत होने वाली है। माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज महाराष्ट्रामध्ये एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री झाले, फडणवीस साहेब या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री झाले। आज विश्वासदर्शक ठराव हा बहुमताने मंजूर झाला, किंबहुना ते होत असताना सर्व महाराष्ट्राने आनंद व्यक्त केलेला आहे। आज नवी मुंबईमध्ये सुद्धा आपण बघत असाल की सर्व कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे। या ठिकाणी आमचे मुस्लिम समाजाचे सहकारी या ठिकाणी आमच्या बरोबर आहेत। प्रत्येक समाज, प्रत्येक धर्म, जात हे सर्व लोक या ठिकाणी या सरकारच्या बरोबर आहेत। अपेक्षा आहे की या नवी मुंबई, ठाणे जिल्हा, महाराष्ट्राची चांगली सेवा घडेल। सर्वसामान्य लोकांचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी प्राधान्य देईल। जे लक्ष होतं हे या महाराष्ट्रातील जनतेला विश्वास देणं की हे येणारं सरकार हे तुमच्या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आहे। नवी मुंबई निश्चितपणे त्याचा एक भाग आहे। निवडणुका या गेल्या 2.5 वर्षापासून होत आहेत, आम्ही तर कधीपासून तयार आहोत। तो माननीय नाईक साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आमचे मंदाताई म्हात्रे आमदार, हे दोन्ही भारतीय जनता पक्षाचे आमदार या ठिकाणी एकदम मजबूतीने आम्ही उभे आहोत। मला विश्वास आहे की येणारी महानगरपालिका भारतीय जनता पक्षाची जशी होती ती पुन्हा जास्तीत जास्त मताने या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाची राहील। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।